है 2024 का सबसे पहला मिड रेंज स्मार्टफोन। ये बात अलग है, इसकी टेस्टिंग में हम इतना मसरूफ हो गए कि हम इसकी वीडियो 10 दिन बाद बना रहे हैं। पिछले 2 साल पहले रेडमी की नोट सीरीज का क्रेज इतना ज्यादा था कि आते ही ये स्टॉक आउट हो जाती थी, ये फ्लैश सेल्स में मिलती थी बहुत ही कम टाइम के लिए। लेकिन पिछले 2 सालों से ये स्टॉक में आती तो है लेकिन आउट नहीं होती। लेकिन इस बार का प्रो प्लस कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं इस बार का स्टॉक आउट होता है या फिर नहीं। डब्बे के ऊपर लिखा है Redmi Note 13 Pro Plus। अब इसको खोलते हैं। यस भाई, लिफाफा भी कतई लाल। Redmi सबसे ऊपर खोलते ही है सिम इंजेक्टर पिन। इसकी क्वालिटी कितनी मस्त है यार। और साथ ही में ये छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट्स ऑल। नाउ फोन 120 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक और साथ ही में एक टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल एंड दैट्स ऑल। इसके बैक में इको लेदर डिजाइन है। लेदर डिजाइन बहुत सारे फोन्स में आ रहा है लेकिन ये 3 से 4 कलर्स के पैटर्न में बना हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। 200 मेगापिक्सल की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे रेडमी और नीचे 5G। तो ये सारे एलिमेंट ऐड होके इसको काफी कलरफुल सी वाइब देते हैं। बैक साइड में ट्रिपल रेयर कैमरास हैं, 2 कैमरास काफी बड़े बड़े, एक काफी छोटू सा, एलईडी फ्लैश काफी लंबा है और ये जो प्राइमरी कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है विद OIS। इसके अंदर ये एक प्लास्टिक की फ्रेम है पूरी की पूरी। ऑल्दो इस चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो अभी आप इसके अंदर देखोगे ना, जितने भी स्पेसिफिकेशन है सारे के सारे बिल्कुल फ्लेक्सिव वाइब देते हैं। और ये 29,999 रुपए में इकलौता ऐसा फोन है जो जल और साथ ही में थल दोनों लेवल की प्रोटेक्शन एकदम टिप टॉप लेके आता है। नया कर दूंगा पूरा, देख इसको इतना नया कर दूंगा, नए से भी नया। नीचे की तरफ ड्यूअल नैनो सिम के लिए स्पेस है और ऑब्वियसली रबर कोटिंग भी लगी हुई है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ऊपर की तरफ, IR ब्लास्टर, और ब्लास्टर के नाम पे ब्लास्ट वाला मत समझ लेना, ये AC और TV का रिमोट बन सकता है। इसकी डिस्प्ले 3D कर्व डिस्प्ले है, 6.78 इंचेस की सुपर एमोलेड 120Hz और काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड भी है। इसके अंदर 1800 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है। अगर मैं अंदर हूं तो अच्छे से विजिबल होगा ही, जो इस प्राइस रेंज के सारे फोनों में होता है, लेकिन अगर सूरज के सामने भी खड़ा हूं बिल्कुल तो भी ये अच्छे से विजिबल होगी। लेकिन ओवरऑल एक स्मार्टफोन की डिस्प्ले फ्लेक्सिबल और बेटर कब बनती है, जब उसमें स्पेसिफिकेशन एकदम ठूस ठूस के भरे हुए कर्व डिस्प्ले हो, 12 बिट पैनल हो, 68 बिलियन कलर, सारा सब कुछ इसके अंदर है। और बैटरी कम कंज्यूम हो इसके लिए ये अडेप्ट करता रहता है 120Hz टू 60Hz। और जब आप इसके अंदर कॉन्टेंट देख रहे होते हो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर फील होते हैं, साइड व्यूइंग एंगल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसके अंदर है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस। इसमें साउंड काफी लाउड है, अभी इस वक्त फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमने पानी में इसको इतनी बार डाल दिया कि एकदम थोड़ी फरफर की आवाज आ रही है इसमें। और परफॉर्मेंस को तंदुरुस्ती देने के लिए इसके अंदर है डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा 7200, 2.8 GHz का एक प्रोसेसर है जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बना हुआ। इसके अंदर तो बेंचमार्क स्कोर 7 लाख से ऊपर आते हैं और सबसे बड़ी बात, जब इसका हमने CPU थ्रोटल टेस्ट किया तो 86% ग्राफ आया और BGMI में इसमें स्मूथ पे एक्सट्रीम वाला ऑप्शन मिल जाता है और वहीं अगर HDR पे खेल रहे हो तो अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। ओ भाई, गेम प्ले स्मूथ है, एट द सेम टाइम ज्यादा हीटिंग भी नहीं मिल रही है और कर्व्ड डिस्प्ले होने के बावजूद भी एक्सीडेंटल टचेस नहीं आ रहे इसमें। बाकी आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए गेम टर्बो मोड वगैरह है जिसमें बहुत सारी चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे। इसकी स्पीड को और ज्यादा फास्ट बनाता है LPDDR5 बेस्ड रैम और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज। कनेक्टिविटी के लिए 5G तो है ही है, 10 5G के बैंड्स हैं, सुनने में आपको कम लगेंगे लेकिन हर बार बैंड्स मैटर नहीं करते, उसके लिए हमने ये वाला वीडियो भी बनाया था। बट स्टिल Jio 5G के ऊपर इसका टेस्ट कर लेते हैं। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, वाईफाई 6 है और NFC भी है। सिक्योरिटी के नाम पे फेस अनलॉक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जिसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और हाँ, किसी फोन को बेटर बनाता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका MIUI 14 काफी ज्यादा रिफाइंड है, Android 13 पे बेस्ड है लेकिन इसके अंदर MIUI 14 रहने नहीं वाला है, इसमें हाइपर OS आने वाला है, Redmi ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट में आपको Android 14 विद हाइपर OS मिल जाएगा। इसके अंदर काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिल जाती है, डेफिनेटली आप इनको अनइंस्टॉल कर पाओगे। Redmi
प्रोमिस करता है 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ये काफी लंबा वादा है। कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स भी हैं, जैसे अगर ये लॉक है आप वॉल्यूम डाउन वाला 2 बार प्रेस करोगे तो सिंपली कैमरा ओपन हो जाएगा। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ये डेफिनेटली आपके काम आ सकता है। इसमें प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का है, ये एक सैमसंग का सेंसर है और इसके साथ OIS भी आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। लिटरली इतने बड़े बड़े नंबर्स के साथ में तीसरा बिल्कुल अलाइन ही नहीं हो रहा है, इसको वैसे भी भूल जाओ। 200 मेगापिक्सल में शिफ्ट करना बहुत ज्यादा इजी है। या नीचे ही वीडियो सेक्शन के साइड में 200 मेगापिक्सल का है, अगर मैं सिंपली एक पिक्चर क्लिक करूं डेफिनेटली टाइम लेता है 200 मेगापिक्सल के प्रोसेस होने में। एक बार इस फोटो को जूम करके दिखाता हूँ, डिटेल्स देख रहे हो भाई, कितनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तीसरे 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस का कोई फायदा नहीं है, अगर आप 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा से फोटो लेके उसको क्रॉप करोगे तो बहुत ही बेटर पिक्चर आएगी एज कम्पेयर टू मैक्रो सेंसर। नॉर्मल मोड में पिक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल्स रहती है, जब आपके सामने थोड़ा शेडो वाला पार्ट रहता है तो कई बार थोड़ा ज्यादा डार्क मिल जाता है, कई बार आपको बहुत ज्यादा ब्राइट पिक्चर मिलेगी। बट जब आप बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में खड़े होंगे तो बहुत ही कमाल डिटेल्स दिखने वाली है। हमने इसके पोर्ट्रेट मोड से बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, हमें एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा मिला है। इवन सेल्फी कैमरा में आपको थोड़ी सी ऐसी कटआउट मिलेगी जहाँ पे एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बैक में सारी ही फोटोज में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, चाहे आप किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट की कर रहे हो चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट की कर रहे हो। फोटो क्लिक, लेकिन अल्ट्रा वाइड में इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है जितनी आपको नॉर्मल मोड में मिलती है। ऑब्वियसली भाई 200 कहाँ 8 का। और ये रहा इसका सपोर्ट गाइस, 4K 30 FPS मैक्स है। मुझे कलर्स वगैरह ठीक लग रहे हैं, डिटेल्स वगैरह देख लेना एक बार, ये करके दिखाओ समीर भाई। ये हमारा वही लेंस है जो टूट गया था गाइस, गोली लग के, भारी गोली लग गई थी इस पे। धोने के बाद भी वो ऊंचा आदमी है। ये नाइस, यस थोड़ा भाग के दिखा देता हूँ। बढ़िया साथ ही सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों के लिए है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी, और जितनी भी सेल्फीज हमने ली हैं उनमें ये पता लगा कि भाई डिटेल्स हैं। पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा और ज्यादा बेटर बन सकता था, लेकिन जब आप ग्रुप सेल्फीज लेते हो तो एक भी इंसान ऐसा नहीं रहता जिसको ब्लर कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम तो आईफोन के अंदर भी है जो इसके अंदर नहीं है। बाकी स्किन टोन वगैरह अच्छे से मैनेज हो जाती है, डिटेल्स भी अच्छी है। और फ्रंट में ये है मैक्सिमम सपोर्ट 1080p 60 FPS, कलर सही लग रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिटेल्स इतनी अच्छी मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे 4K का सपोर्ट ही नहीं है। ये वीडियोग्राफी के लिए मुझे थोड़ा सा कम लगा क्योंकि स्टेबलाइजेशन इसमें 4K में है नहीं, 1080p ही है मैक्सिमम फ्रंट में भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर काम किया जा सकता था। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है वहाँ पे हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, जो डे टू डे लाइफ में लोग ज्यादा यूज में लेते हैं वो चीजें इसमें काफी अप टू द नोच है। और एक स्मार्टफोन के सारे फीचर्स फेल हो जाते हैं जब तक उसमें कमाल की चार्जिंग और बैटरी ना हो, तो इसके लिए इसके अंदर है 5000 mAh की बैटरी विद 120W ऑफ फास्ट चार्जिंग। इसको हमने टेस्ट किया हुआ है, ये 18 मिनट 50 सेकंड में 0 to 100% चार्ज कर देता है, मतलब कंपनी ने क्लेम किया 19 मिनट्स, उससे भी 10 सेकंड पहले। भाई भाई स्पीड हो तो ऐसे। अब बात करते हैं डायरेक्टली कंक्लूजन की, ये फोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इसका जो बेस वेरिएंट है वही स्टार्ट होता है 8GB 256GB से, और दूसरा है 12GB 512GB। बेस वेरिएंट की जो प्राइस है वो आफ्टर डिस्काउंट 29,999 की है। तो ये फोन स्पेशली किसी एक इंसान के लिए नहीं बनाया, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कैमरा बहुत पसंद है तो कैमरास के लिए ये नहीं है, किसी को गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद है तो गेमिंग के लिए भी ये नहीं है डेडिकेटली। लेकिन नोट सीरीज हमेशा से परफेक्ट लोगों के लिए बनी है, ऐसे लोग जिनको ओवरऑल एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें सब कुछ डाला गया हो, तो उन लोगों के लिए ये एक ऐसा पैकेज है जो 30,000 में मिल ही नहीं सकता। लुक्स बहुत अच्छे हैं, चार्जिंग बैटरी डिपार्टमेंट बिल्कुल सॉर्टेड है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत सॉर्टेड है, और ये ओवरऑल कर्व डिस्प्ले मिलके इसको बहुत अच्छा पैकेज बनाते हैं। अभी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो।